Hey guys, welcome to Slapdash Diaries. Please don't forget to subscribe and like my channel for new updates. Thank you. Hello friends. Well, वो कहते हैं ना that we are the creator of our own destiny. आपको क्या लगता है? क्या हम अपनी destiny खुद लिखते हैं? मुझे तो well ऐसा ही लगता है. मुझे तो लगता है हम हर चीज के लिए responsible है जो हमारी life में हो रहा है. और हमें उस चीज़ की चार्ज लेना चाहिए. हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए. मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी सोलो रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ. मैं किसी को ब्लेम नहीं करती. और मुझे लगता है किसी को ब्लेम करना सही बात नहीं है, क्योंकि मैं जो ऐसी लाइफ जीना चाहती थी मैं वैसी जी रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही लाइफ डिजर्व करती थी. स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ये बोल दिया था कि हम अपनी नसीब के खुद विधाता हैं, दैट वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी. अगर ये बात सच है तो हम अपनी डेस्टिनी कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपनी डेस्टिनी को बेटर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे कामयाब तरीका है आपके प्रेजेंट को बेटर करके. अपने प्रेजेंट में ओनली वी कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर. वी कैन बिल्ड अप आवर फ्यूचर इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट ओनली दैट इज हेल्पफुल टू बिल्ड अप आवर फ्यूचर. और अगर हमें फ्यूचर अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली वी हैव टू वर्क अपॉन आवर प्रेजेंट. और हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स विद आवर प्रेजेंट डेज. और डेज का कौन मास्टर है? डेज की मास्टर्स है हमारी खुद की मॉर्निंग. मॉर्निंग बहुत इम्पोर्टेंस रखती है आपके डे को अच्छा बनाने में. वो कहते हैं ना कि अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी है तो आपका डे बहुत अच्छा जाएगा. ये भी सच कहते हैं. तो अपनी मॉर्निंग को अच्छा तो हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है टू नो दैट व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इन द मॉर्निंग. हम लोगों को ना एक लिस्ट बनाने लिए चाहिए कि हमें मॉर्निंग में क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है. आजकल ना हम लोगों की एक गंदी हैबिट हो गई है सुबह उठते के साथ मोबाइल फ़ोन को उठा लेने की और उसको स्क्रॉल डाउन करके वर्ल्ड की पूरी नॉलेज लेने की. या फिर अगर हम ये नहीं करते ना तो हम न्यूज़पेपर पकड़ के बैठ जाते हैं. मैं नहीं कह रही कि वन शुड नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड. यू शुड बी, वी ऑल शुड बी, बट दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट यू शुड बी डूइंग. तो इसीलिए आप पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मेक योर सेल्फ अवेयर, बट नॉट एज अ प्रायोरिटी इन द मॉर्निंग एटलीस्ट. तो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले तो अपना डे प्रायोरिटाइज करके आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपको आज क्या क्या अकम्पलिश करना है. छोटी छोटी टू डू लिस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है. और अगर आप अपना डे प्लान आउट कर लोगे ना मॉर्निंग में ही तो आपका डे डेफिनेटली बहुत बेटर जाएगा. तो मॉर्निंग तो ऐसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मॉर्निंग को प्लान आउट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अब जब हमें पता चली गया है कि हम अपनी मॉर्निंग्स को कैसे बेटर और पॉजिटिव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ी से आगे बढ़ सकते हैं अपनी डेस्टिनी को प्लान आउट करने में या अपने फ्यूचर को थोड़ा सा बेटर बनाने में, उसमें सक्सेसफुल हो जाने के लिए. क्योंकि हम प्रेजेंट के से ही तो फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे हम जी रहे हैं वैसे वैसे हम फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं. तो प्रेजेंट को अच्छा बनाते बनाते ही हमारा फ्यूचर बेटर होगा. देयरफॉर ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव मॉर्निंग, पॉजिटिव आउटलुक, एंड डेफिनेटली योर फ्यूचर विल बी ऑल पॉजिटिव एंड द वे एज यू वांटेड. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड आई विश द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर यू गाइज फॉर एवर. थैंक यू, बाय बाय.